हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक ये ऑटो कैड की एक ट्रिक के साथ। अभी एक स्टूडेंट ने एक मैसेज किया है कि कैन यू मेक वीडियो ऑन सेव कमांड, कि ऑटोमेटिकली सेव कैसे होता है ऑटो कैड में। अगर आपका फाइल आप यूज कर रहे हो, अगर एकदम से सिस्टम बंद हो जाए या लाइट चली जाए, तो उस केस में आप DWG फाइल है जो आपकी ऑटो कैड की फाइल है, उसको आप ऑटो सेव कैसे कर सकते हो और कितने मिनट के बाद हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में। तो इसके लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मान लो आपके पास ऑटोकैड की फाइल और आप कोई भी काम किए जा रहे हो, और काम करने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे इस पे कोई एडिटिंग की है, क्लियर है, कोई भी एडिटिंग मैं कर रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमेटिकली सेव आप करते कहां से हो। उसके लिए आपको ओपी एंटर करना है, या फिर आपको ओपी एंटर करोगे ऑप्शन पे जाओगे, या फिर राइट क्लिक करके आप ऑप्शन पे जा सकते हो। तो यहां पे जाने के बाद ओपन एंड सेव पे जाएं, और यहां पे फाइल सेफ्टी, फाइल सेफ्टी के में आपको देखोगे ऑटोमेटिक सेव। बाय डिफॉल्ट यहां पे जो टाइम होता है वो 10 मिनट्स का रहता है, मैंने ऑटोमेटिक सेव कर दिया 1 मिनट का, क्लियर है। अब 1 मिनट का जैसे मैंने यहां पे टाइम किया तो ये आपको बताएगा मिनट्स बिटवीन सेव, 1 मिनट के अंदर आपकी ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। और जो ये आपकी ऑटोमेटिक फाइल सेव होती है वो SV डॉलर फॉर्मेट में सेव होती है। जो आपको ऑटोकैड का होता है वो .dwg होता है, और ये SV डॉलर के नाम से सेव होती है, क्लियर। उसको चेंज कैसे करना है वो भी बताता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 मिनट का आपका, और यहाँ पे क्रिएट बैकअप कॉपी विथ ईच सेव, जब भी आप सेव करोगे एक बैकअप कॉपी भी आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने का पाथ क्या रहेगा, वो आप फाइल्स पे जाओ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव फाइल लोकेशन प्लस पे क्लिक करो, और ये लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करो, मान लो मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है ऑटो सेव के नाम से, आप उसे सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, तो वो आपका पाथ यहाँ पे आ जाएगा और आप कोई भी पाथ यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद अब आप देखोगे जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस वगैरह किए हैं, आपको 1 मिनट का वेट करना होगा ताकि ये आपका सेव हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेव होने के बाद फाइल कहाँ पे जाती है और उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। अब आपका जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होता है तो आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक सेव टू सी ड्राइव यूजर PC डेस्कटॉप ऑटो सेव के नाम से, और ये फाइल का नेम है, जो आपका फाइल का नेम है, इस फाइल के नेम से आपका सेव हुआ है और .sv डॉलर फॉर्मेट में सेव हुआ है। इसको आप F2 प्रेस करके भी देख सकते हो, जो आपकी कमांड से क्या क्या कमांड यहाँ पे आ रही है, तो ऑटो सेव आपका यहाँ पे हुआ है। तो अब आप वहां पे जा सकते हो, उस फाइल पे जाओ। मान लो अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, मान लो ये आपने इरेज कर दिया। अब आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे जाके ऑटो सेव में देखोगे तो ये आपकी एक फाइल आ जाएगी जो SV डॉलर के नाम से है। इसको अगर आपको ऑटोकैड की फाइल के रूप में यूज करना है तो आप इस पर क्लिक करें और इसको रिनेम करके यहाँ पे कर दो .dwg, ठीक है, .dwg ओके करोगे तो कैड फाइल बन जाएगी। अब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपने जो भी एडिटिंग वहां पे की थी वो आपकी वापस आ जाएगी। इस तरीके से आप ऑटो सेव को यूज कर सकते हो। टाइमिंग क्या रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ओपी एंटर करके कितने टाइम में आपको ये ऑटो सेव करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 से 5 मिनट का टाइम रखें, क्योंकि क्या करता है कि जैसे जैसे मान लो आपने 1 मिनट रखा, 1 मिनट के अंदर ये चीजों को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके एक बैकअप फाइल बनाएगा। तो उससे क्या हो सकता है कि आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, अगर आपकी हैवी फाइल है तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, 4 से 5 मिनट का आप यहाँ पे टाइम रखें कि 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो उसको सेव करते रहे आपकी बैकअप फाइल को। और एक और चीज, जैसे आप इस फाइल से बाहर आ जाओगे और अपना काम बंद कर दोगे, जो आपकी ऑटोमेटिकली वहां पे फाइल क्रिएट हुई है वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो टाइमली रहती चली जाएगी, जैसे जैसे बैकअप बनते चले जाएंगे वो उसके ऊपर ओवरलैप होते चले जाएंगे और उसको वो हटा के एक नई फाइल बनाता चला जाएगा, और जैसे ही आप डिलीट करोगे तो वो फाइल भी वहां से डिलीट हो जाएगी। तो ये था ऑटो सेव कैसे कर सकते हो ऑटो कैड में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।